हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं पीएम किसान योजना अपडेट। देश के अन्नदाताओं के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को चलाया जा रहा है। ये एक ऐसी योजना है जिसका लाभ किसान उठा सकते हैं। जो किसान गरीब है और जिन्हें मदद की जरूरत है, वो किसान इस योजना से जुड़कर आर्थिक मदद पा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं, जो उनके सीधे बैंक खाते में भेजे जाते हैं। हर 4 महीने के अंतराल पर 2,000 रुपये की 3 किस्तों में ये पैसे दिए जाते हैं। 11 किस्त आने के बाद अभी सभी किसानों को 12वीं किस्त का बेसब्री से इंतज़ार है, लेकिन 12वीं किस्त कब तक आ सकती है, ये जानने से पहले सभी किसानों के लिए एक काम करना ज़रूरी है, वरना 12वीं किस्त के पैसे अटक सकते हैं। तो चलिए इस बारे में जानते हैं। दरअसल अगर आप पीएम किसान योजना के किसान के लाभ बढ़ती है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ईकेवाईसी करवा लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको मिलने वाले किस्त के पैसे अटक सकते हैं, इसलिए इसे ज़रूर करवा लें। बाकी अब जानते हैं कि किस्त कब तक आ सकती है। पीएम किसान योजना के अंतर्गत अब तक किसानों को 11 किस्त के पैसे दिए जा चुके हैं और अब सभी को 12वीं किस्त का इंतज़ार है। मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो 12वीं किस्त अगस्त महीने के आखिरी सप्ताह में आ सकती है। तो गाइस, अगर आप भी कोई किसान की फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ये जो 12वीं किस्त है ये अगस्त के आखिरी महीने में आ सकती है, आखिरी सप्ताह में आ सकती है। तो गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डेली न्यूज़ के लिए।